हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर बेसिक कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड के ट्रेनीज के लिए है और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है वैक्सिंग। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है इस टॉपिक से रिलेटेड वो है व्हाट इज वैक्सिंग। वैक्सिंग क्या है? अब सबसे पहले वैक्सिंग को जैसे ही हमने सुना, नाम सुना, तो हमें ये पता चल जाता है कि ये बाल हटाने के काम आने वाला प्रोसेस है। मतलब बाल हटाने के प्रोसेस को ही हम वैक्सिंग कहते हैं। अब देखिए, बाल हटते हैं वैक्सिंग से, लेकिन परमानेंटली नहीं हटते। वो कैसे हटते हैं? टेम्पररी, कुछ टाइम के लिए। तो यानी कि ये सेमी परमानेंट ट्रीटमेंट है, सेमी परमानेंट, राइट, जिसमें कुछ दिनों बाद बाल फिर से आ जाते हैं। इसमें बाल जड़ से निकल जाते हैं और फिर से आने में बालों को लगभग 2 से 8 हफ्ते लग जाते हैं, राइट। हालांकि कुछ लोगों में बाल हफ्ते के अंदर भी आ सकते हैं, जिनकी ग्रोथ, जिनके बालों की ग्रोथ बच्चों बहुत ज्यादा होती है, उनके बाल 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ही आने लग जाते हैं। लगभग शरीर के सभी क्षेत्रों को वैक्स किया जा सकता है, जैसे कि आईब्रो, चेहरा, पैर, हाथ, कमर, पेट, राइट। अब अनचाहे बालों को हटाने के लिए वैक्स करने के भी बहुत बहुत सारे तरीके हैं, बट एक बात का ध्यान रखें, किसी भी नए इंसान से वैक्स नहीं करानी चाहिए। जब आपको पता हो कि इस इंसान को वैक्सिंग आती है, यानी कि एक प्रशिक्षित व्यक्ति से ही वैक्सिंग करानी चाहिए, ठीक है। रिस्क नहीं लेना चाहिए कि किसी से भी वैक्सीन करा लें। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसी टॉपिक में कि टाइप्स ऑफ वैक्स, बहुत सारे तरीके की वैक्स होती हैं। तो सबसे पहला तरीका जो यहाँ पर प्रकार है वो है सॉफ्ट वैक्स। अब देखो बच्चों, सॉफ्ट वैक्स जो है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जब भी हम पार्लर जाएंगे तो जो डब्बा हमें मिलेगा वो डब्बा समझ लो वो सॉफ्ट वैक्स ही होती है उस डब्बे के अंदर, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, और जो सॉफ्ट वैक्स होती है वो आम तौर पर पैराफिन वैक्स होती है। कैसी वैक्स होती है वो? पैराफिन वैक्स। अब इसको भी हमने 2 हिस्सों में बांटा है, ध्यान से देखिएगा सॉफ्ट वैक्स को भी। वन इज योर कोल्ड वैक्स एंड अदर इज योर हॉट वैक्स, कोल्ड वैक्स और हॉट वैक्स। अब देखो, ज्यादातर जो वैक्स हम यूज करते हैं वो होती है हॉट वैक्स, ठीक है। उसमें क्या होता है, कम दर्द होता है इसके मुकाबले में, और ज्यादा बाल आसानी से निकल पाते हैं। अब देखो दोनों में मेन अंतर क्या है, मेन अंतर ये है कि जो ये हॉट वैक्स है ये डब्बे में आती है, इसको हम गर्म करते हैं और इसको हम पिघला करके वैक्सिंग करते हैं। और जो कोल्ड वैक्स होती है ना, वो ज्यादातर ऐसी वैक्स होती है जो कि मोटी, मतलब स्ट्रिप पे लगी हुई आती है, और आप स्ट्रिप लगाएंगे और फिर बाल निकालेंगे तो बाल निकल जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, थोड़ा दर्द ज्यादा होता है कोल्ड वैक्स में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया हो कि सॉफ्ट वैक्स क्या है और उसकी 2 कैटेगरी हो गई, कोल्ड और हॉट। चलिए अब देखते हैं दूसरा टाइप है आपका हार्ड वैक्स, राइट। अब देखो हार्ड वैक्स और सॉफ्ट वैक्स में क्या डिफरेंस है। जो सॉफ्ट वैक्स है आप उससे लगभग हर जगह पर वैक्सिंग कर सकते हैं, बट हार्ड वैक्स का इस्तेमाल हम अपने शरीर में, अपनी त्वचा पर छोटे छोटे क्षेत्रों पर करते हैं। मतलब जैसे कि लोग अपर लिप्स पे कराते हैं, आईब्रो पे कराते हैं, अंडर आर्म्स की वैक्सिंग कराते हैं, वो जो सारी वैक्स होती है वो वैक्स होती है आपकी हार्ड वैक्स, ठीक है। इस वैक्स को इन जगहों पर हम गरम गरम लगा देते हैं और फिर वैक्स को ही ठंडा करते हैं और उसे खींच लेते हैं, यहाँ पर हम स्ट्रिप का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। अब जो हार्ड वैक्स है ना वो आपकी त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाती, जबकि सॉफ्ट वैक्स से आपकी त्वचा पर कभी कभी, बहुत लोगों को खुजली की शिकायत हो सकती है, ठीक है। ये जो हार्ड वैक्स है ये हर त्वचा के लिए, मतलब कोई सेंसिटिव स्किन है किसी की नॉर्मल है, किसी की ऑयली है, किसी भी स्किन टाइप पर हम हार्ड वैक्स का यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट टाइप ऑफ वैक्स इज योर फ्रूट वैक्स। अब देखिए, फ्रूट वर्ड से ही हमें पता चल गया क्या, कि जो ये वैक्स होगी इसके अंदर फ्रूट्स का जूस होगा,
तो राइट, ऐसी त्वचा जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, मतलब अगर थोड़ा बहुत भी कुछ गलत लगा लिया तो उसके पे दाने हो जाते हैं, रैशेज हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन वाले लोगों के लिए फ्रूट वैक्स होती है। ये जो वैक्स होती है ज्यादातर फलों के जूस से बनी होती है और खास करके बेरीज होती है इसमें, ठीक है, और ये एंटीऑक्सीडेंट से समृद्ध होती हैं, इसलिए ये बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं होती है। बट इनका जो साइड इफेक्ट है, या फिर आप कह सकते हैं कि इनकी एक जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये थोड़ी महंगी होती है, हर कोई इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन इनका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टाइप ऑफ वैक्स इज शुगर वैक्स। शुगर शब्द से हमें पता चलता है, शुगर मतलब चीनी टाइप की चीजें ना, तो चीनी का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि चीनी घोल देते हैं, यहाँ पर मतलब है कि आपके पास इसमें ग्लूकोज होगा, क्या होगा यहाँ पे, ग्लूकोज होगा, और इस वैक्स में नींबू होगा, पानी भी होगा उसके साथ, ठीक है। और हम सबको पता है कि हमारी स्किन के लिए चीनी और नींबू बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है और सेंसिटिव है तो शुगर वैक्स से ही आपको वैक्सिंग करानी चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत जल्दी रैशेज हो जाते, मतलब अगर आपने वैक्सिंग कराई और लालपन आ जाता है वहां पर, तो भी क्या करें बच्चों, इसी वैक्स का यूज करें। कौन सी वैक्स का? शुगर वैक्स का, ठीक है। ये पूरी तरह नेचुरल है, क्यों? क्योंकि ये सब कुछ नेचुरल चीजें हैं। चीनी, चीनी किससे बनती है? गन्ने से बनती है ना, शुगर केन से बनती है, तो नेचुरल है। नींबू नेचुरल है, पानी नेचुरल है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो शुगर वैक्स है, दिस इज नेचुरल इन नेचर, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान नहीं है। लास्ट वैक्स का टाइप जो हम देखेंगे वो है चॉकलेट वैक्स। अब देखो, नाम से ही पता चलता है चॉकलेट, खाने वाली चॉकलेट ही है ये, ठीक है। खाने वाली चॉकलेट का स्वाद वैसे ही बहुत अच्छा होता है, सबका चॉकलेट का नाम सुन के ही मुंह में पानी आ जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये है बच्चों कि चॉकलेट ना ही केवल खाने में स्वादिष्ट होती है, ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है। तो अगर आप कभी चॉकलेट वैक्स करते हैं तो आपको दिखेगा कि बाल तो हटेंगे हटेंगे, बट आपकी जो स्किन होगी वो भी शाइन करने लगेगी। अब रीजन क्या है इसका? इसका रीजन है कि जो चॉकलेट होती है ना, उसके अंदर मॉइस्चराइजिंग क्वालिटी होती है, मतलब वो आपकी स्किन पे क्रीम का काम करती है, तो वो आपके बाल भी हटाएगी और क्रीम का काम भी करेगी। आई होप आपको टाइप्स ऑफ वैक्स समझ में आए हों। अब हम स्टार्ट करते हैं कि वैक्सिंग करने का क्या तरीका है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक्स हैं ये प्रैक्टिकल के टॉपिक हैं, तो पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे इसकी, उसके बाद आपको मैं इसी का प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले वैक्सिंग करने के तरीके में क्या आपको ध्यान रखना है कि जिस सबसे पहले उस क्षेत्र को आप साफ करेंगे जहां पर वैक्स करना चाहते हैं, ठीक है, और फिर उस स्किन को सुखा लेंगे। इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि स्किन पर कोई भी ऑयली या क्रीमी चीजें ना लगी हो, ना बची हो। अगर ऐसा होता है बच्चों, अगर मान लो कि मॉइस्चर है या कोई तेल लगा हुआ है, तो जब आप वैक्सिंग करेंगे तो जो बाल हैं वो बीच में टूट जाएंगे, मतलब स्किन के अंदर से बाल नहीं निकलेंगे, ठीक। फिर वैक्स गर्म हो जाएगी, वैक्स को ज्यादा गर्म नहीं करना है, गुनगुना रखना है। अब जहां आपको वैक्स करनी है वहां आप पाउडर लगाएंगे। पाउडर क्यों लगाएंगे? ताकि अगर कुछ भी गंदगी, कुछ भी तेल, पानी, कुछ भी बचा हो तो क्या हो, वो हट जाए। और आपको देखो एक बात और समझनी है, मॉइस्चर को क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि जो वैक्स की पट्टी है उसको हमें अच्छे से चिपकाना है, और वो गड़बड़ हो जाएगी अगर वहां मॉइस्चर होगा, वो चिपकेगी नहीं सही से, ठीक है। अब अपनी त्वचा पर जहां आपको अपने अनचाहे बाल हटाने हैं वहां आपको बिना नोक वाला चाकू, अब देखो बिना नोक वाला चाकू यहाँ लिख दिया, लेकिन वैक्स करने के लिए अपने आप एक वैक्स नाइफ आता है जिसको हम कहते हैं स्पैचुला, वो आप लेंगे अलग से और उसकी मदद से ही वैक्स लगाएंगे।
अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब वैक्स लगानी है तो वो एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, मतलब सही डायरेक्शन में लगनी चाहिए। अब डायरेक्शन क्या होती है, आपको अपने बालों की ग्रोथ की डायरेक्शन में ही, मतलब जिधर की तरफ बाल झुकाव है बालों का, उधर ही आप जो है वैक्स लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो पट्टी होती है वैक्स की उसको लगाएंगे और थोड़ा सा हल्का सा दबा लेंगे ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। उसके बाद आप पट्टी हटानी है, तो पट्टी हटानी कैसे है, उल्टी डायरेक्शन में, बालों की डायरेक्शन से उल्टी डायरेक्शन में पकड़ के खींच देना है और पट्टी को एकदम हटाना है, ठीक है। धीरे धीरे हटाएंगे तो काम नहीं बनेगा, बालों को वो नहीं निकाल पाएगी, ठीक है। अब आपने वैक्स कर दी, आपके बाल निकल गए, उसके बाद क्या करेंगे, आप उस स्किन को गीले टॉवल से साफ कर देंगे। अगर किसी को ऐसी फीलिंग आ रही है कि रैशेज हो रहे हैं या दाने हो रहे हैं तो आप उस पर बर्फ भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस हो गया आपका वैक्सिंग का। अब आपको ये वैक्सिंग का प्रैक्टिकल भी इसी वीडियो में एंड में दिखाई देगा। उससे पहले हमें देखना है कि वैक्सिंग के फायदे क्या हैं। आप देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ वैक्सिंग। सबसे पहली बात देखो, हर कोई चाहता है कि वो सुंदर दिखे, है ना, हर कोई चाहता है। तो वैक्सिंग क्यों करती है लड़कियां वैसे, इसीलिए क्योंकि जो हमारे अनचाहे बाल हैं शरीर पर, हाथों पर, वो अच्छे नहीं लगते हैं। उनकी वजह से क्या होता है, बहुत कलर अच्छा नहीं आता हमारा, डार्कनेस ही लगती है। तो क्या करते हैं हम, वैक्सिंग करते हैं तो हमारी जो स्किन है वो सुंदर दिखने लगती है। वैक्सिंग के बाद त्वचा एकदम मुलायम हो जाती है, साफ एकदम बेहतरीन, ठीक है। अब उससे क्या होता है, जो ऊपर की डेड स्किन होती है ना हमारी, मतलब सुंदर दिखने का तो एक रीजन हो ही गया, बट कभी कभी आप नोट करोगे कि आप वैक्सिंग करो और उसके बाद आपकी एकदम स्किन चमक जाती है। क्यों, केवल बाल हटने से तो ऐसा नहीं होगा, राइट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे स्किन के ऊपर डेड स्किन की सेल्स भी बन जाते हैं, तो वो भी हट जाते हैं वैक्सिंग के साथ, ठीक है। आप देखो बालों को हटाने के और भी तरीके हैं, जैसे कि क्रीम, शेविंग क्रीम, इन तरीकों से भी हम हटा सकते हैं, बट उससे क्या होता है, उससे बाल जो है केवल स्किन के ऊपर से हटते हैं, जड़ से नहीं निकलते। जड़ से बाल किससे निकलते हैं, वैक्सिंग से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फायदा देखते हैं, किसी भी तरह की इरिटेशन या एलर्जी नहीं होती। देखो हर कोई वैक्सिंग कराता है आज के जमाने में, और 99% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वैक्सिंग कराकर कोई शिकायत नहीं होती। लेकिन जो लोग क्रीम यूज कर लेते हैं कभी कभी, और क्रीम से 40% लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि क्रीम के अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं और आपको नहीं पता कि आपकी स्किन के लिए कौन सा केमिकल ठीक है और कौन सा केमिकल ठीक नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट फायदा, वैक्सिंग से किसी भी तरह के कट या चोट नहीं लगती। देखो ये बेस्ट चीज है, वैक्सिंग में हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे, रेजर नहीं चला रहे, रेजर से चोट लगने की हो सकते हैं, तो हम कोई ऐसी चीज नहीं कर रहे हैं जिससे वैक्सिंग से कट या चोट लगे, राइट। नेक्स्ट फायदा वैक्सिंग से बाल खड़े खड़े नहीं आते। अब देखो ये चीज नोट की हो शायद आपने, या कभी फ्यूचर में आप लोग नोट करें कि वैक्सिंग से जब हम बाल निकालते हैं तो वो जड़ से निकल जाते हैं, उसके बाद जो जड़ में से बाल आते हैं वो बहुत मुलायम होते हैं। लेकिन अगर कभी कोई लोग शेविंग करते हैं, जैसे स्पेशली लड़के, आपने नोटिस किया होगा कि शेविंग के बाद जो बाल आते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, और वो कैसे होते हैं, टेढ़े मेढ़े खड़े खड़े बाल होते हैं। लेकिन वैक्सिंग के बाद ऐसा नहीं होता, वैक्सिंग से बाल एकदम साफ हो जाते हैं और जो स्किन होती है वो भी मुलायम रहती है, ठीक है। अब वैक्सिंग के से बाल जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, मतलब वैक्सिंग का सबसे अच्छा फायदा यही है कि बाल जो हैं वो बहुत दिनों बाद आते हैं, मतलब लगभग 2-3 हफ्ते बाद तो आएंगे ही आएंगे, उसके बाद ही, उससे पहले नहीं आएंगे। ये सारे जो हैं मैंने आपको बेनिफिट्स बताए वैक्सिंग के। अब बच्चों जब किसी चीज का फायदा है तो उस चीज का थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा, तो जो नुकसान की बात करें आप, तो बहुत छोटी से नुकसान है। क्या नुकसान है वैक्सिंग का, एक तो
कुछ लोगों को वैक्सिंग की वजह से इरिटेशन हो सकती है। कुछ लोग जो लोग पहली बार कराए, मान लो फर्स्ट टाइम अगर किसी ने वैक्सिंग कराई तो उसको हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, उसको इरिटेशन हो सकता है ऐसा। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम कराएगा उसको हो सकता है कि ऐसी प्रॉब्लम हो, और ये भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम जब आप कराएंगे तो थोड़ा बहुत खून भी निकल सकता है, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब आप बाल खींचेंगे तो आपके बाल जो हैं वो पोर्स में से बाहर आ जाएंगे, तो अब उस पोर्स में से थोड़ा बहुत ब्लड निकल सकता है। कुछ लोगों को रैशेज भी हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि चींटी ने काट लिया, ऐसे दाफड़ पड़ जाते हैं, बट उसमें डरने की बात नहीं है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। क्योंकि एक आपने कभी वैक्सिंग नहीं की या फिर आपकी स्किन सेंसिटिव है और उस एरिया में आपने क्या किया, बाल को खींच दिया है, तो थोड़ी देर के लिए वो इफेक्ट रहता है। वो इफेक्ट कोई बहुत लंबे समय के लिए नहीं रहता, वो केवल थोड़ी देर के लिए ही रहता है। अब बच्चों, इस लेक्चर में ही हम कंटिन्यू करेंगे वैक्सिंग का प्रैक्टिकल। किसी भी प्रैक्टिकल को करने से पहले सबसे पहले हमें उसके लिए ट्रॉली सेटिंग करनी होती है। तो चलिए देखते हैं वैक्सिंग के प्रैक्टिकल के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये स्टूडेंट्स, ये है वैक्स हीटर जिसमें हम वैक्स गर्म करते हैं, ये है वैक्स, ये है स्पैचुला जिससे हम वैक्स को स्किन पर लगाते हैं, ये है टेलकम पाउडर जिससे हम कि वैक्सिंग करते वक्त स्किन पर मॉइस्चर ना रहे इसलिए हम यूज़ करते हैं, ये है मॉइस्चराइज़र जिसे हम आफ्टर वैक्सिंग लगाते हैं, ये है वैक्सिंग स्ट्रिप जिसकी मदद से हम बालों को निकालते हैं, ये है हमारे पास टॉवल और ये है हमारे पास पानी जिसमें वैक्सिंग के बाद हम स्किन को साफ करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम वैक्स को गर्म करने के लिए वैक्स हीटर में डालते हैं। अब हम सबसे पहले जिस भी हाथ पर या पैर पर हमें वैक्सिंग करनी है वहाँ पर हम टेलकम पाउडर लगाएंगे ताकि अगर वहाँ पर थोड़ा भी मॉइस्चर है तो वो मॉइस्चर रिमूव हो जाए। देखिए, गर्मियों में हमें एसी की ज़रूरत पड़ती है, बिना एसी के आप वैक्सिंग नहीं कर सकते। सर्दियों में आप वैक्सिंग कर सकते हैं क्योंकि हमारे एनवायरमेंट का टेम्परेचर खुद ही कम होता है। अब हम स्पैचुला की मदद से हाथ पर वैक्स लगाएंगे और याद रखेंगे कि वैक्स की डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में आपके बालों की ग्रोथ है। तो चलिए देखते हैं कि स्पैचुला की मदद से वैक्स कैसे लगाई जाती है। हाथ में बालों की डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो इसीलिए हमने जो वैक्स है वो ऊपर से नीचे की तरफ लगाई है। अब हम इस वैक्स के ऊपर वैक्सिंग स्ट्रिप लगाएंगे और वैक्सिंग स्ट्रिप बहुत ध्यान से लगाएंगे और उसको धीरे धीरे रब करेंगे ताकि वो वैक्स पर अच्छे से चिपक जाए। अब ऐसा करने के बाद हम वैक्स स्ट्रिप को एकदम खींचेंगे और उल्टी डायरेक्शन में। याद रहे, वैक्स हमने बालों की ग्रोथ की डायरेक्शन में लगाई थी और स्ट्रिप हम अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वैक्सिंग हो गई है, बाल निकल गए हैं। अब हम ये स्टेप तब तक रिपीट करेंगे जब तक हमारे हाथ की वैक्सिंग कंप्लीट होती है। अपने क्लाइंट से आप बीच बीच में पूछते रहेंगे कि जो वैक्स है वो गर्म तो नहीं है।
वैक्स लगाते वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि बालों की ग्रोथ किधर है। जितनी पतली लेयर आप वैक्स की लगाएंगे उतनी अच्छी ही वैक्सिंग होगी। देखिए मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हमने फिर से टैल्कम पाउडर लगाया है, क्योंकि वैक्सिंग करते करते भी मॉइस्चर आ जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वैक्सिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमें इस हैंड को वॉश करना है। तो हम करेंगे कि हम एक टॉवल लेंगे और उसको पानी में डिप करके गीला कर लेंगे। एक्स्ट्रा पानी को निकाल लेंगे और जो टॉवल है उसको मॉइस्ट करके अब हम उस हाथ को अच्छे से साफ करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हाथ साफ हो गया है, अब लास्ट स्टेप में हम इस हाथ पर मॉइस्चराइज़र या जेल भी लगा सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, हम उसका यूज़ करेंगे। इसी के साथ हमारा वैक्सिंग का प्रैक्टिकल एंड होता है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये प्रैक्टिकल समझ आया हो और हमारे इस वीडियो लेक्चर का आप फायदा उठाएं।